बोले भागवत क्या होती है? क्या अरे भागवत होती है, भागवत सुनने से पुण्य मिलता है। बोले हम नहीं जानते। अरे देखो अपने गांव में भागवत करा लो। बोले हम जानते ही नहीं है भागवत क्या होती, तो हम भागवत क्या कराएं? बोले नहीं अब कराओ तो सही। बोले हमें नहीं करानी कोई भागवत। देखो सुनो, तुम्हारे यहाँ कोई सेठ हो, अमीर सेठ, उनसे बोलो, वो समझ जाएंगे, तुम कथा करा लो। देखो आप भी ब्राह्मण हो, मैं भी ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण ही ब्राह्मण की लाज रखेगा, आप जा करके बात तो करो। अब सेठ जी के पास में गए, बड़े धनवान सेठ जी। अब उनसे कहा, महाराज कोई पंडित जी आए हैं काशी से और वो कह रहे हैं भागवत करा लो। सेठ जी को आया गुस्सा, भागवत करा लो, ये भागवत क्या होती है, हैं? क्या होती है भागवत बता नहीं। वो कह रहे थे सुनने से बड़ा भागवत से बड़ा पुण्य मिलता है। अरे तुम भी किस बातों में आ जाते हो पुरोहित जी, हैं? भागवत भागवत भगा दो पंडित जी को, कोई भागवत भागवत नहीं होती। अब पुरोहित जी जाने लगे तो इतने में जो सेठ जी के दोनों बालक थे उन बालकों ने सुन ली भागवत। अब वो कहने लगे हम भागवत देखेंगे, हम भागवत देखेंगे, हम भागवत देखेंगे। अब लो बताओ भागवत सुनी जाती है देखी जाती है? लेकिन छोटे बच्चे कहने लगे ना हम तो भागवत देखेंगे भागवत। अब महाराज वो तो रोए जोर जोर से। अब रोहित से कह रहे तुम जाके मना कर दो। बोले नहीं हमें तो भागवत देखनी है, हमें भागवत देखने में भागवत देखनी है। अब बच्चे जब ज्यादा जिद करने लगे तो अच्छा बुला लो पंडित जी, लाओ बुलाओ ना, हम भी देखे कैसी होती है भागवत। उन्होंने सोचा भागवत ऐसी होती है कोई झोली पोली खोलेंगे, कबूतर वबूतर निकालते होंगे जैसे जादूगर दिखाते, जैसे कोई बंदर तमाशा दिखाता, ऐसी भागवत दिखाते होंगे। अब तुरंत दौड़ करके वो गए पुरोहित जी वहां पे और उनसे कहले चलो चलो तुम्हारा इंतजाम हो गया, चलो चल के भागवत दिखाओ। अब पंडित जी सोचे हम भागवत दिखाएंगे कैसे, मूर्ख लोगे, ये भागवत सुनी जाती है। बोले लेकिन हमें क्या मतलब, हमें तो किराए की व्यवस्था, हमें तो जाना है। बोले अच्छा चलो हम स्नान कर लेते हैं और स्नान करके फिर हम चलते हैं। बोले अरे स्नान का टाइम नहीं है, तुम जल्दी चलो, सेठ जी के बच्चे रो रहे हैं, उन्हें भागवत देखनी है। बोले सेठ जी के बच्चे ऐसे कौन से ज्ञानी हो गए कि उन्हें भागवत देखनी? अरे लेकिन हमने स्नान नहीं किया। अरे स्नान स्नान बाद में करना, पहले चलो चल करके भागवत दिखाओ। पंडित जी ने सोचा चलो चलते हैं, ओम पवित्रा पवित्रवा सर्वावस्थाम छींटे ही दे करके और अपने भागवत जी की पोथी लेकर के चल दिए। अब बच्चे तो जिद कर ही रहे थे। जिस लकड़ी के चौकी पर सेठ जी बैठे थे, थोड़ी बड़ी सी चौकी थी, वहां बाहर बैठ रहते थे काम करने वाले और 10 20 50 आदमी जो हैं वो भी वहां पर बैठे रहते थे। अब महाराज सेठ जी तो भोजन करने के लिए भीतर चले गए। अब इतने में पंडित जी आए और जब पंडित जी आए तो उन्होंने देखा सेठ जी तो है नहीं, सेठ जी तो भोजन के लिए भीतर चले गए। और सेठ जी जब भोजन के लिए भीतर चले गए तो सोचा हम कथा किसे सुनाएं, वहां पे 10 20 50 आदमी बैठे हुए थे। अच्छा वो सारे लोग भी बैठे बैठे ये देखना चाह रहे थे कि भागवत कैसी होती है। सोचा चलो हम भी कोई तमाशा होगा हम भी देख लेंगे। अब वही लकड़ी की बड़ी सी चौकी थी उसी पे पंडित जी बैठ गए। अब पोथी खोलने लगे, सारे बैठे हुए दिखाएंगे कुछ जादू खेल तमाशा सा। अब उन्होंने पोथी खोली और पोथी खोलने के बाद में पहला श्लोक बोला। अब जैसे ही पहला श्लोक बोला सुना, कथा सुनाना शुरू कर दिया। अब उन्होंने सोचा अब कुछ कबूतर निकलेगा, अब कुछ तमाशा होगा, कुछ देखेंगे, अब सारे बैठे हुए कि कुछ दिखाएं, भागवत जी देखने आए हैं। अब काफी देर हो गई, एक घंटा हो गया, लेकिन कुछ दिखाएं ना। इतने में भोजन करके सेठ जी बाहर आ गए, उन्होंने कहा चलो देखते रहे मुझे क्या मतलब। अब वो उन्हीं की चौकी थी जिस पर वो सोते थे, दोपहर का भोजन करके नींद आई तो उन्होंने क्या किया, इधर तो पंडित जी बैठ करके कथा सुना रहे थे, वहीं पे जा करके पंडित जी की
जंगा पे अपना सर रख करके सो गए। बोले या पर चलो सोए तो सोए खर्राटे और ले। अब मारा खर्र खर्र करके जोर जोर से खर्राटे ले। अब खर्राटे ले तो कथा में और व्यवधान। बोले अच्छी आफत है भैया, और जब सेठ जी ही कथा नहीं सुनेंगे तो फिर फल कैसे मिलेगा? पैसे तो सेठ जी देंगे। तो सेठ जी को उठाया, अरे सेठ जी उठो न कथा सुन लो, पुण्य मिलेगा। अब किसी सोते हुए आदमी को यदि आप उठाओ तो उसे कैसा गुस्सा आएगा? अब सेठ जी को जैसे उठा के बिठाया, सेठ जी की गुस्से के मारे आंखें लाल, और सेठ जी को आया गुस्सा और एक थप्पड़ पंडित जी में देके मारा। अब जैसे ही मारा, पंडित जी को आई गुस्सा और कहा भाड़ में गई है कथा वथा सुनाना, और अपनी पोथी को दिया बांध, और बांध के गुस्सा ऐसी आई भूख तो लगी रही थी, दो थप्पड़ खींच के सेठ जी ने मारे। अब लोग बोले हाँ अब शुरू हो गई भागवत, अब देखेंगे। अब वो सेठ जी में मारे और सेठ जी बिन में मारे। अब महाराज लड़ाई होने लग गई जोर जोर से, सारे लोग बैठ गए कि हाँ अब हुई है भागवत शुरू। अब सारे देखे महाराज, अब लड़ते 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 और दह पटक चलती रही, और लड़ते लड़ते पीछे था एक गड्ढा बड़ा सा जिसमें गेहूं रखते थे। अब लड़ते 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 उसमें वो दोनों गिर पड़े। अब महाराज लड़ते लड़ते जब गिर पड़े तो पंडित जी चढ़ गए सेठ जी के ऊपर और मारे। महाराज जोर जोर से भूख तो लगी रही थी कि पैसा तो बाढ़ में गया, अभी सेठ जी को ही देखूं पहले। अब जोर जोर से मारे सेठ जी को। अब सारे लोग देखे लेकिन छुड़ाने कोई नहीं जाए। सोचे भैया ये भागवत हो रही है और भागवत को बीच में रोकना नहीं चाहिए। हमने पुरोहित जी से सुना है भागवत जी यदि बीच में रुक गई तो दोष हमें मिले। कोई रुकान जाता है भैया भागवत मत रोक देना, भागवत बीच में रुक गई तो नरक जाना पड़ जाएगा, इसलिए रोकने की कोशिश मत करना कथा को। अब महाराज जोर जोर से भागवत हो गए। बोले पंडित जी पे भागवत जी आ गई है, चढ़ बैठी है पंडित जी में, अब उतार करके ही मानेंगे सेठ जी के अंदर। अब महाराज जैसे पिटे सेठ जी चिल्लाए, अंदर से सेठ जी की पत्नी बाहर निकल के आई और कहने लगी अरे छुड़ाओ, अरे हमारे सेठ जी तो मर जाएंगे। पंडित जी बोले अब भागवत चढ़ रही है, भागवत तभी उतरेगी जब 500 रुपए का दान करेगी, ऐसे नहीं उतरने वाली। अब महाराज सेठ जी को बताना था, महाराज ऐसे में कौन पैसे गिने, जल्दबाजी में 500 जगह 1000 रुपए दे दिए कि छोड़ो। अब गड्ढा गहरा था तो बोला सीढ़ी लगाओ बाहर निकलेंगे। अब डर के मारे कोई बाहर ना निकाले, कहीं ऐसा ना हो भागवत जी हम पे चढ़ जाए। अब कोई बाहर ना निकाले, सब इधर उधर भाग गए। दो चार बचे थे कि सेठ जी को तो बचाना है, सीढ़ी लगाई और सीढ़ी लगा करके कोई इधर पेड़ पे चढ़ गया, कोई इधर पेड़ पे चढ़ गया। पंडित जी बाहर निकल कर गया और अपनी पोथी उठाई और चल दिए। सारे देख रहे कि भागवत जी कहीं हम पे ना चढ़ जाए। जब पंडित जी बहुत दूर चले गए तो सेठ जी ने पूछा गए क्या पंडित जी? बोले हाँ महाराज गए वो तो, क्योंकि बाकी लोग तो ये सोच रहे थे ये तो सेठ जी थे, इन्होंने तो पैसे दे करके जैसे से छुड़ा ली, कहीं हम पे चढ़ गई भागवत, हम तो ऐसे ही गरीब कहां से छुड़ाएंगे। पर लोग बोले देखो पंडित जी सेठ जी, बेशक आपकी नस नस ढीली हो गई हो लेकिन गांव में अब तक भागवत नहीं हुई थी, आपने कम से कम भागवत तो करवाई ली।